रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 5+ हमने आज 8 यूनिट हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। 8 यूनिट में हमने स्क्वायर का एरिया कंटूर हमने फाइंड करना है। इसमें उन्होंने सिर्फ एक चीज़ दी होगी, हमें साइड दी होगी, लेंथ उसकी है। तो लेंथ ऑफ दी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो पैरामीटर का, वो 4 मल्टीप्लाई होता है साइड, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो इसी वजह से। तो 4 मल्टीप्लाई साइड जो हमें दी हुई है वो 7 है, 7 सेंटीमीटर है। 7 × 4 = 28 होता है, तो 28 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 = 49। एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर की वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, तो 112 हो गए। तो इसकी जो आंसर आएगा वो 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 8.1 का मैं सवाल नंबर 6 करना आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट वो चूंकि डेसिमल में है, इसी वजह से 2.5 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द साइड 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसका फार्मूला जो पैरामीटर का है वो 4 × 2.5 है। तो ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई करना यहाँ पर साइड पर की हुई है वर्किंग में, ठीक है। तो 4 × 5 = 20 होता है, 0 लगेगा, 2 कैरी, 8 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 एंड 2 ऐड हो गया तो 10। तो 10 हमारा आंसर क्या है, 100 है। अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे, 5 1 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1, और वो क्या है, 5। तो आंसर में हम 1 आंसर के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो आपका आएगा 10.0। डेसिमल के बाद अगर 0 आता और कोई डिजिट नहीं है तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो हम लोग नहीं लिखते होते। तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई साइड के। तो यहाँ पर हमारी साइड जो है वो 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखें 5 + 5 = 25 लगेगा, 2 carry 5 × 2 = 10 एंड 2 ऐड हो गया तो 12, 5 नीचे मल्टीप्लाई 5 × 2 = 10, 0 लगेगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 1 ऐड हुआ तो 5, 5 × 5 = 2, 5 × 1 = 6 एंड डेसिमल हम लोगों ने लगाना है 5 एक नंबर, 5 ऊपर वाला 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर के बाद हमारा डेसिमल है, तो 6.25 हमारा आंसर है। इसी तरह से हम इसी एक्सरसाइज का सेकंड सवाल करते हैं।